बहुत ही शानदार कार्यक्रम आप सभी ने श्रवण किया। और हेलो हेलो आर्ज गालो हमारे परम आदरणीय दादा पंडित श्री लालमन चंचल जी कीर्तन क्षेत्र में स्वरों के बादशाह माने जाते हैं। पर जिनको आप सबने सुना है, हमारी बहन नीलम को भी सुना है, एक गीत का अवसर मुझे मिला है, प्रयास करूंगा कि आपको अच्छा लग जाए और अच्छा लग जाए तो आशीर्वाद की कामना करता हूं। और दादा आप भी सोए ना, प्लीज सुने। ओ भैया चाटी बढ़ा दे, बस खत्म कहानी, गारंटी खत्म। बोलो कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। क्यों कि धन दौलत से एक दिन खाली होगा हाथ, अंत समय भगवान का भजन एक धुन बजी। कौन सी? अरे अभी नाज है टूटे, क्या बात है, पर टूटेंगे सारे भरम धीरे धीरे, भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे, गीत को सुने। राम की धरा पर ये क्या हो रहा है, पाप हंस रहा है,
और धर्म रो रहा है। जय हो। आदरणीय दादा और जनता जनार्दन सुने, एक वक्त हुआ करता था जब हमारे सनातन धर्म में हर घर में एक व्यवस्था हुआ करती थी। अरे भूखे को भोजन, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, ये बात अब रही कहां। पहले साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। हमारे दरवाजे से कोई भी व्यक्ति भूखा प्यासा ना चला जाए, ये सबसे पहली प्राथमिकता रहती थी हर घर में। यहाँ तक कि पहली रोटी गऊ को खिलाई जाती है, अंतिम रोटी कुत्ते को खिलाई जाती है, पक्षियों को चुगने के लिए दाना डाला जाता है, अपने छत पर घर पर पानी रखा जाता है। ये व्यवस्था हम सबके घर में थी। जय जय। पर हुआ क्या, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, ये बात अब रही कहां। और किससे कहानी, किससे कहानी कहें दादी नानी, वो रात अब रही कहां। पहले संयुक्त परिवार हालांकि गांव में अभी भी होते हैं, हुआ करते थे। यूट्यूब टीवी मोबाइल का जमाना नहीं था, तो जब भी समय मिलता सारे बच्चों को इकट्ठा करके दादा दादी उनको किस्से कहानियां सुनाया करते थे, और उन कहानियों से उन बच्चों में एक संस्कार निर्मित होता था, चरित्र निर्मित होता था। लेकिन आज एकल परिवार हो गया है, शादी हुई, मियां बीबी अलग, बच्चों को अब दादी दादा देखने को नहीं मिलते हैं। तो कहना क्या, अरे किससे कहानी कहें दादी नानी, वो रात अब रही कहां। माँ के पास भी बच्चों को एक पल नहीं। अब माता अपने बच्चों को आया के पास भेज देती है। शहरों में माता पति पत्नी दोनों सर्विस करते हैं, सुबह होते दोनों घर से निकल जाते हैं, एक नौकरानी रखते हैं जो बच्चों का पालन पोषण करती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं, तो अपने माता पिता को नहीं पहचानते, तुमने हमारे साथ किया क्या है। माँ के पास भी बच्चों को एक पल नहीं, और आंचल की छांव दे वो आंचल नहीं। जींस का पैंट पहनती हैं माताएं, पल्लू है ही नहीं, तो पल्लू में ढकेंगी कहां। बिल्कुल। माँ के पास भी बच्चों को एक पल नहीं, तो आंचल की छांव दे वो आंचल नहीं। तो कहना पड़ रहा है क्या, कहां जाए ना, ऐसी स्थिति बन गई है, कहां जाए ना और रहा जाए ना। क्यों, क्यों कि हो रहे हैं कम शुभ कर्म धीरे धीरे।
अब अच्छे कार्य देखने को नहीं मिलते। बावड़िया, पहले घर घर में रामायण हुआ करती थी, लेकिन लेकिन अब हो रहे हैं कम शुभ कर्म धीरे धीरे, और बढ़े रहे हैं कुकर्म धीरे धीरे। कम हो रहे शुभ कर्म धीरे धीरे और बढ़ रहे हैं कुकर्म धीरे धीरे। एक पंक्ति और सुने सुने। धरे कहां जा रहे हैं सुगुणाज, आओ नंबर आ गो। होती थी गिनती शुरू राम से ही, होती थी करना शुरू राम से ही, वो दिन थे राम राज के। आप लोग सब किसान हैं, जब अन्न आता था उसको आप नापते थे, तो पहली बार जब बर्तन को भरते हैं पहला या जो भी आपके यहाँ होता है तो एक नहीं कहते, पहली बार राम फिर दो तीन। इसका अर्थ होता था कि पहला पहला जो आप अनाज होता था वो धर्म के लिए देते थे। क्या बात, राम के लिए देते थे। बिल्कुल, तब राम राज था। जियो। होती थी करना शुरू राम से ही, वो दिन थे राम राज के। आराम से, लेकिन लेकिन क्या, अब प्रश्न चिन्ह उन पर, प्रश्न चिन्ह उन पर ही करने लगे हैं पढ़े लिखे आज के। कुछ लोग ये कहते हैं कि राम तो धरती पर कभी हुए ही नहीं, ये तो कल्पना है। प्रश्न चिन्ह उन पर ही करने लगे हैं पढ़े लिखे आज के, और कहते हैं बाप को बाप कहने, बाप को बाप कहने के आदि नहीं। क्यों, क्यों कि मानव तो है मनुवादी नहीं। कुछ लोग मनु से पूरी जो मानव जाति का प्रादुर्भाव हुआ है, सब संतान है मनु की, इसलिए हम आप मानव कहलाते हैं। लेकिन कुछ वामपंथी लोग और अंबेडकर पंथी लोग अब ये कहते हैं कि हम मनुवादी नहीं हैं। अरे मानव हैं तो आप मनु की संतान हैं, मनु की संतान हैं तो सनातन धर्म को मानने वाले हैं। तो कहना क्या, बाप को बाप कहने के आदि नहीं, मनु मानव तो है पर मनुवादी नहीं। तो कहना क्या, कहां जाए ना और रहा जाए ना, क्या क्या कि लुप्त हो रहा है, लुप्त हो रहा है
धर्म धीरे धीरे इस धरती पर से लुप्त हो रहा है, धर्म धीरे धीरे और बढ़ रहा है, अधर्म धीरे अंतिम बात, कोई इसको बुरा ना माने, आज सबसे ज्यादा विरोध, हालांकि मैं ब्राह्मण हूं तो लोग कहें कि अपने लिए कह रहे हैं, नहीं जय हो पंडित जी, आज ये आम धारणा बन चुकी है, तो ये सोची समझी चाल है विदेश की। जय सुने राधे सुने, वेद पढ़ैया गैया मैया का उपहास हो रहा देश में, वेद को पढ़ने वाला ब्राह्मण और गौ माता इनका तिरस्कार हो रहा है, जहां देखो गाय गौ माता सड़क पर, कुत्ते को एयर कंडीशनर गाड़ी में घुमाते हैं, लेकिन गाय मारी मारी फिर रही है। तो कहना वेद पढ़ैया गैया मैया का उपहास हो रहा देश में, और हो क्या रहा है, जो जितना गिर जाए उतना ही उठ जाए हो रहा देश में, संस्कारों को भूलकर जितनी नीचता करने लगे बहुत ज्यादा, उसका उतना ही सम्मान बढ़ जाता है, उतना ही धन पैसा उसके पास हो जाता है। बिल्कुल, जो बिचारे अपने अपने मर्यादा को लिए हुए, अपनी इंसानियत को लिए हुए चल रहे हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल, तो कहना है, अरे जो जितना गिर जाए उतना ही उठ जाए हो रहा देश में, और रंभा आज राज बनकर रानी करे, मतलब है रंभा नाम की अप्सराएं हुआ करती थी जिनको वैश्या कह सकते हैं, इस चरित्र की महिलाएं आज रानी बनकर घूम रही हैं, लेकिन जो पतिव्रत धर्म को निभाने वाली हैं, संस्कारों को निभाने वाली हैं, जो अपने पति के लिए हरिश्चंद्र के साथ बिछ गई और डोम के घर पानी भरा, जय जय, ऐसी स्त्रियों के साथ क्या हो रहा है, क्या बात है। रंभाज राज बन के रानी करे, और तारा आज भी घर घर पानी भरे, बहुत धन्यवाद। और ये हमारे परम आदरणीय भैया राहुल विश्वकर्मा जी, आपकी ओर से ये 10 पद मुद्राएं प्रदान हुई हैं। जय हो, यहां पैसों का कोई महत्व तो नहीं है, नहीं पैसों का कोई महत्व तो नहीं होता, इंसान के दिल का महत्व तो होता है, और आपका दिल बहुत बड़ा है, दिल जिसका बड़ा होता है उसके आड़े पैसा नहीं आता। एक गरीब बुढ़िया महात्मा के पास पहुंची, महाराज मेरे पास तो
कुछ है नहीं, लेकिन मैं संतों को भोजन कराना चाहती हूँ। जय हो। मेरे पास मात्र 10 रुपए हैं, आखिर भोजन कराऊं तो कराऊं कैसे? संत ने कहा, माता आज तेरे ही नाम का यज्ञ होगा और 10 रुपए में होगा। संत ने 10 रुपए लिए, एक नमक का पैकेट मंगवाया और सब्जी दाल में डाल दिया। अच्छा। तो एक नमक के पैकेट में हजारों संतों को भोजन हो गया। वो हजारों संत के पेट में चला गया, उसे एक यज्ञ का फल मिल गया। बहुत बढ़िया, बहुत। पैसे का कोई महत्व तो नहीं है, महत्व तो आपके दिल का है, सम्मान का है। बहुत बहुत धन्यवाद है, हृदय से नमन वंदन है। सुने आप, सुने। रंभायाज राज बन के रानी करे, आज भी घर घर पानी भरे। कहा जाए ना और रहा जाए ना, कि खो रहे हैं लाजो शरम धीरे धीरे। आज घर घर में देखिए परंपराओं का अवमूल्यन हो रहा है। पहले अगर घर का बुजुर्ग अपने दरवाजे पर बैठा है तो माताएं बड़े सभ्यता से निकलती थी। आजकल पहले बता दिया कि पल्लू है ही नहीं है, छोटे छोटे कपड़े पहनकर माताएं बहनें घूम रही हैं। जय हो, जय जय। अपने पति के साथ भोजन कर रही हैं, माता पिता बैठे बैठे देख रहे हैं। तो कहना पड़ रहा है, राधे राधे। कहां जाए ना और लहा जाए ना, रहे हैं लाज और शरम धीरे धीरे। अरे होते हो रहे हैं हम बेशरम धीरे धीरे। हो रहे हैं कम शुभ कर्म धीरे धीरे, और लुप्त हो रहे हैं धर्म धीरे धीरे। खो रहे हैं लाज और शरम धीरे धीरे, हो रहे हैं हम बेशरम धीरे धीरे। सत्य सनातन धर्म की बहुत बहुत धन्यवाद है। और